मोदी ने कांग्रेस पर ताना कसते हुए कहा कि कांग्रेस लिख कर दे कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न विजन, वह अब 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। कांग्रेस की शहजादे व पार्टी घोषणा करी कि वह आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और INDI के घटक दलों को चुनौती दी कि वे लिखित में देश को गारंटी दे कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। लिखित में इसलिए क्योंकि उन पर वैसा भरोसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही मोदी ने कहा है कि सच्चाई ये भी है कि विपक्षी दल लिखित में गारंटी देंगे नहीं, क्योंकि दाल में काला है। मोदी गुजरात में बनासकांठा जिले के दीसा कस्बे में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। पीएम ने कहा कि इस कांग्रेसी जमात को ध्यान से सुन लेना चाहिए कि जब तक मोदी जिंदा है और भाजपा है, तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। नौकरियों और शिक्षा में SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित किया जाता रहेगा। साथ ही कहा है कि SC ST और OBC को आरक्षण संविधान ने दिया है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। मोदी ने कहा कि आज भी कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है और न ही उसके पास काम करने का जुनून है। जिस कांग्रेस ने 2014 में उन पर चाय बेचने वाला का निशाना साधा था, उस देश से करारा जवाब मिला है। साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे है और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए, 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार थी वह देश भर में सिर्फ आतंकवाद, घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरों के लिए जानी जाती थी। उस वक्त देश निराशा और अंधकार में डूबा हुआ था, आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था। 2014 में भाजपा नीत राजक सरकार की सत्ता में आने के बाद से देश विकास पथ पर बढ़ा है। मैंने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने हर पल अपने देशवासियों और देश के नाम पर बिताया है।